किसान संघर्ष समिति दिल्ली देहरादून हाईवे आई थी और जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करी। अध्यक्ष ठाकुर वीर सिंह जी, बाबा सतवीर जी बुढ़ियान खाप चौधरी, बाबा श्याम सिंह जी गठवाला खाप से और सभी समिति के लोग थे। जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई और जो हमारी मेन चीज़ समस्या हमने सब बता रखी थी अपनी, आज सिर्फ हमारा आने का मकसद ये था कि कोई भी हमारे खेत में ना घुसे जी। अगर कोई काम करने के लिए NHAI का या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी आता है तो किसान बहुत रोष में है, कोई भी टकराव हो सकता है, उस टकराव की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और शासन की होगी। ये हमने लिखित में भी ज्ञापन के माध्यम से भी जिलाधिकारी मैडम को दे दिया और वैसे भी बता दिया। मैडम ने आश्वासन दिया कि एक समिति बनाई जाएगी जो परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और सर्वे करेगी और जो भी समस्याएं हैं उनके लिए एक समिति और बनाई जाएगी जी। ये आज का यहाँ आने का पर्पज था। बाबा श्याम सिंह जी है, कुछ बताएंगे इसके बारे में। भाई हमने बिल्कुल स्पष्ट DM साहब को कह दिया जी, किसानों में विरोध है, जब उनकी जमीन का वाजिब दाम नहीं मिलने का तो तुम्हें अपनी खेती को क्यों बर्बाद करने के लिए देंगे दूसरे, मैं कहाँ जाऊँगे, कहाँ कर रखाऊँगे, कहाँ उनके बच्चे जाऊँगे। तो DM साहब ने आश्वासन दिया अगर नहीं बाबा जी इस पर कुछ ना कुछ अवश्य कार्रवाई होगी और जब तक कार्रवाई नहीं होती आप स्वतंत्र हैं, कोई बात नहीं है, ना कोई विरोध की टकराव की बात ना स्थिति आने जी। बाबा सतवीर जी बुढ़ियान खाप और DM साहब से वार्ता हो गई है इस बारे में। DM साहब ने आश्वासन दिया है कि एक समिति बना देंगे और जो आपस में सामंजस्य स्थापित करेगी किसानों के साथ में भी, उसके बाद तब जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर वीर सिंह जी यही बात है भाई, DM महोदय ने जो है मेरे इसे स्वीकार करा और समिति बनाने का हम आश्वासन दे दिया और आगे के लिए कहा जब तक किसान और सरकार में सहमति नहीं बनेगी तब तक कोई